The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high quality educational resources for free. मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अभी तक हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपके साथ एक चार्ट डिस्कस किया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस रेंज के रेडिएशन से कौन से ट्रांजिशन होते हैं और उनसे आप लोग कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो। स्टार्ट हम लोगों ने किया था, सबसे पहले हमने पढ़ी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और लास्ट क्लास के अंदर हम लोग रोटेशन और वाइब्रेशन को मिलाकर रो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। अभी तक आप लोग पी ब्रांच के बारे में, आर ब्रांच के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हो। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे आखिर रियल मॉडल के अंदर आपके पास आर ब्रांच और पी ब्रांच किस टाइप की दिखती है। तो क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। सो दिस इज लेक्चर नंबर 17 ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी तक हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं और उन सब की जरूरत पड़ने वाली है आज के इस लेक्चर के अंदर और आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो बहुत जरूरी है कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देख लिए हों। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। और उसके बाद सीधा जाना है आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब रोटेशन और वाइब्रेशन के एनर्जी लेवल्स के बीच में कपलिंग होती है। तो बहुत जरूरी है कि आपको रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आती हो, बहुत जरूरी है आपको वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आती हो, बहुत जरूरी है कि आपको रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आती हो जब रोटेशन और वाइब्रेशन के बीच में कपलिंग नहीं हो रही थी। वहीं से सारे डिटेल्स को यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग इस टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अपनी हेडिंग यहां पर लिखी हुई है, रोटेशन एंड वाइब्रेशन इंटरेक्शंस एज कपलिंग इज टेकन इनटू अकाउंट। लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने कि जब इनके बीच का जो इंटरेक्शन था उसको आप लोग अकाउंट के अंदर नहीं लेते थे तो आपका रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा किस टाइप का दिखता था। एक विंग शेप के बाद आपके पास ग्राफ आया था और आपने कहा था कि जो आपके पास आर ब्रांच होती है वो आपके पास बैंड ओरिजिन के राइट में होती है और जो आपके पास पी ब्रांच होती है वो आपके बैंड ओरिजिन के लेफ्ट के अंदर होती है। जो आपके पास लाइंस के बीच में स्पेसिंग होती है, चाहे वो पी ब्रांच की हो चाहे वो आर ब्रांच की हो, उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो आपके पास सेम होती है, जिसके गैप आपके पास 2b के बराबर निकल कर आया था। आज देखेंगे कि अगर आप लोग रोटेशन और वाइब्रेशन की कपलिंग को अकाउंट में लोगे तो उस स्पेक्ट्रा के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ेगा, क्या आपके पास जो लाइंस आती है उनके बीच की स्पेसिंग सेम रहेगी, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो पूरा लेक्चर देखना, सब कुछ आपको समझ में आएगा और यहां से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं सीएसआईआर नेट के अंदर भी और गेट एग्जाम के अंदर भी, क्योंकि काफी अच्छा टॉपिक है और रियलिटी के अंदर प्रैक्टिकली आपके पास जो स्पेक्ट्रा होता है रोटेशन स्पेक्ट्रा का वो वैसा ही होता है जो हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जो आप लोग रियल लाइफ में पढ़ते हो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग कह रहे थे कि आपके पास जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं, मानिए आपके पास ये क्या है, n=0 है, n=1 है, n=2 है, n=3 है, तो हर एक वाइब्रेशन के कोरस्पोंडिंग आपके पास अंदर क्या होने वाले हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होने वाले हैं और आपके पास एक रोटेशनल कांस्टेंट भी होगा। अब उस कांस्टेंट की वैल्यू हर एक एनर्जी लेवल्स के अंदर अलग अलग होती है। अगर आप लोग बात करोगे n=0 के अंदर, अगर यहां पर जो आपके पास अंदर क्या होते हैं रोटेशंस के एनर्जी लेवल्स होते हैं और एनर्जी लेवल्स के कोरस्पोंडिंग जो आपके पास रोटेशनल कांस्टेंट होने वाला है, अगर उसकी वैल्यू b0 है, जो आपके पास यहां पर n1 स्टेट है इसके अंदर उसकी वैल्यू b1 है, यहां पर आपके पास जो n=2 स्टेट में आपके पास क्या है b2 है, तो अगर आपके पास ये b0=b1=b2 ये सारे के सारे आपके पास रोटेशन कांस्टेंट अगर इक्वल हुए, इसका मतलब आप लोग वाइब्रेशन रोटेशन कपलिंग को लेकर नहीं चल रहे हो, क्योंकि रियलिटी के अंदर ये आपके पास इक्वल नहीं होते हैं। b0 इज नॉट इक्वल टू b1 इज नॉट इक्वल टू b2 एंड सो ऑन। इसे आप लोग क्या बोलते हो, डिफरेंट रोटेशनल कांस्टेंट इन डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और इसी को आप लोग क्या बोलते हो, रोटेशन और वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के बीच में क्या हो रही है, कपलिंग हो रही है। इसके पीछे का रीजन क्या है, आप लोग रीजन मैं आपको बता चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर भी, एज वाइब्रेशन क्वांटम नंबर इंक्रीजेस दैट इज एन इंक्रीजेस इंटर न्यूक्लियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एटम फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन इंक्रीजेस दैट इज आर इंक्रीजेस। मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली आप जो यहां पर एनर्जी लेवल को बनाते हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि आपके पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, ए आपके पास यहां पर होने वाला है, जो आपके पास सेकंड एटम होगा मान लीजिए आपके पास स्टार्टिंग के अंदर कहां पर है, यहां पर है, अभी वो कहां पर है मान लीजिए वो इस वाले स्टेट के अंदर है, अपने इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, यहां पर आपके पास कोई भी वाइब्रेशंस नहीं हो रहे हैं, इसको मैं क्या बोलता हूं,
इक्विलिब्रियम स्टेट बोलता हूँ। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आपके पास जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, अगर आप लोग इसको क्या बोल रहे हो, आर ई बोल रहे हो, मारी तरह डिस्टेंस आपके पास क्या है, आर ई के बराबर है। तो जब आपके पास वाइब्रेशंस एनर्जी लेवल्स चेंज होते हैं, तो ये जो आपके पास होता है आर इक्विलिब्रियम, मान लीजिए आपके पास जो ए एटम है वो कहाँ पर था, यहाँ पर था, ये आपके पास क्या हो जाएगा फिर आर इक्विलिब्रियम आपके पास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, आर जीरो बोलने वाले हो। एन इज इक्वल टू जीरो स्टेट के लिए उसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के अंदर क्या चेंज आया उसको आपने क्या बोल दिया, आर जीरो बोल दिया। अब ये आपके पास इंक्रीज होता रहेगा क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस होता है ये आपके पास लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, जैसे आप ग्राफ यहां पर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो आपके पास आर की वैल्यू है ये आपके पास क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। इसका मतलब जो आपके पास आर जीरो होगा वो आपका छोटा होगा, उससे बड़ा क्या होगा आर वन होगा, फिर उससे बड़ा क्या होगा आर टू होगा, आर वन के पास यहां पर क्या है, ये आपके पास आर वन होगा, ये आपके पास क्या होगा आर टू होगा, ये आपके पास क्या होगा, मान लीजिए एन एस स्टेट के लिए क्या बोल सकते हो, आर एन बोल सकते हो। तो रिलेशन क्या होगा इनके बीच में, आर जीरो सबसे छोटा, फिर आर वन, फिर आर टू, फिर आर थ्री, फिर आर फोर। ये सब चीजें आप लोग को समझ में भी आ रही है और यही सब चीजें रियलिटी के अंदर होती है क्योंकि एक टाइम के बाद आकर एक वाइब्रेशन स्टेट के अंदर आपके बॉन्ड को डिसोसिएट तो होना पड़ेगा। इसका मतलब आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का जाएगा और इसीलिए आपके पास जो आर की वैल्यू होती है ये भी आपके पास इंक्रीज होती रहती है और एक टाइम के बाद बॉन्ड टूट जाएगा। तो उसके बाद आपको पता है कि जो आपका रोटेशन कांस्टेंट होता है उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है कि जो आपका बी है वो आपका बराबर होता है एच स्क्वायर अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसके बराबर होता है, एम आर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एच भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, कोई भी आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा उसका मास भी क्या रहेगा, रिड्यूस मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वो क्या है आपका जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर से। तो अगर आपका आर इंक्रीज होता है तो आपका बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपका n is equal to 0 स्टेट के अंदर आपके रोटेशन कांस्टेंट की वैल्यू b 0 थी, n is equal to 1 स्टेट के अंदर आपके पास b 1 वैल्यू थी, फिर आपके पास b 2 है, b 3 है, b 4 है, तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, आपके पास जो b नोट है आपके पास क्या रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा, फिर क्या रहेगा b 1, फिर क्या b 2, फिर क्या b 3, फिर क्या b 4, इसी तरीके से वो चलता रहेगा। रेडियस के अंदर जो आपके पास यहां पर इंटरनल डिस्टेंस था इसका जो रिलेशन होता है बिल्कुल इसके अपोजिट रिलेशन निकल कर आया क्योंकि जो आपका b है वो आपके r के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर जो आपके पास रोटेशन कांस्टेंट है अलग अलग वाइब्रेशन लेवल के अंदर, यानी कि बी जीरो के अंदर, बी वन के अंदर, बी टू के अंदर, बी थ्री के अंदर, तो अगर मैं आपको यहां पर जो आपके पास ये स्टेट थी इक्विलिब्रियम, अगर मैं बोल रहा हूं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास वाइब्रेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अगर बी ई है, तो आप लोग इस बी की वैल्यू से बी जीरो को भी निकाल सकते हो, बी वन को भी निकाल सकते हो, बी टू को भी निकाल सकते हो, बी थ्री को भी निकाल सकते हो। इसका मतलब बी ई और बी एन के बीच में आपके पास कोई रिलेशन आने वाला है कि एनथ लेवल के अंदर जो आपके पास रोटेशन कांस्टेंट होगा बी एन, उसका रिलेशन क्या होगा बी से, यानी कि जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर था उस टाइम पे जो उसका रोटेशन कांस्टेंट था बी ई, उससे उसका क्या रिलेशन होने वाला है। तो उस रिलेशन को ड्राइव करेंगे, बहुत इजी रिलेशन है, आपको यहां पर इसको डायरेक्टली याद करना है। बिल्कुल डेरिवेशन के अंदर जाओगे तो कोई फायदा नहीं, रिलेशन बहुत ईजी निकल कराएगा, तो इसको आप लोग क्या कर लो, डायरेक्टली याद कर लो। द रिलेशन बिटवीन रोटेशन कांस्टेंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द बॉटम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व बी ई एंड द रोटेशन कांस्टेंट कोरस्पॉन्डिंग टू एन स्टेट इज बी एन इज इक्वलेंट टू बी ई माइनस एन प्लस 1/2 इनटू में अल्फा, और इस अल्फा को आप लोग क्या बोलते हो, वाइब्रेशन रोटेशन कपलिंग कांस्टेंट बोलते हो। अगर आप लोग इसको अकाउंट में नहीं लोगे दैट मींस अल्फा क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। अगर आपका अल्फा जीरो हो जाता है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा bn is equal to b equilibrium, यानी कि b1 is equal to b2 is equal to b3, यानी कि आपके पास सारे के सारे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो किसके बराबर होंगे, b equilibrium के बराबर हो जाएंगे, यानी कि आप लोग आइडियल कंडीशन की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन आपके पास रियलिटी के अंदर कपलिंग होगी, यानी कि अल्फा की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। अगर अल्फा की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी तो आपके पास हर एक एनर्जी लेवल्स के अंदर जो आपके पास रोटेशन कांस्टेंट है उनकी वैल्यू भी अलग रहेगी। मैंने यहां पर आपको दिखाया हुआ है कि जो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये भी पास का होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो आर ई सबसे बड़ा, फिर आर जीरो उससे बड़ा, फिर आर वन उससे बड़ा, फिर आर टू उससे बड़ा, फिर आर थ्री उससे बड़ा, लेकिन रोटेशन कांस्टेंट के अंदर ये क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। यानी कि बी ई सबसे बड़ा, फिर बी वन, फिर बी टू, फिर बी थ्री, फिर बी फोर, इस तरीके से क्या चलेगा आपके पास, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर चलता रहता है। और उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो आपके पास बी एन क्या होता है, बी ई के बराबर हो जाता है, यानी कि आपके पास सारे के सारे लेवल के कोरस्पॉन्डिंग, सारे के सारे वाइब्रेशन लेवल के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका रोटेशन कांस्टेंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बी इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन को आप लोग पढ़ चुके हो, इस कंडीशन का यूज करके आपके पास जो पी ब्रांच थी वो कैसे दिखती थी, आर ब्रांच थी वो कैसे दिखती थी, वो सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास अल्फा जीरो के बराबर नहीं होगा तो आप लोग क्या बोल सकते हो उस फॉर्मूले से, जो आपका बी वन है वो क्या हो जाएगा, बी ई माइनस का एन प्लस 1/2 था, यानी क्या हो जाएगा 1+1/2 इंटू में अल्फा। बी जीरो कैसे निकालूंगा, बी ई माइनस 0+1/2 इंटू अल्फा। इस तरीके से आप लोग
किसी भी स्टेट के लिए अपने रोटेशन कांस्टेंट को निकाल सकते हो। तो आपके पास ये क्या है, आपके पास यहाँ पर रिलेशन आ सकता है। इस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द वाइब्रेशन रोटेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एच सी एल मॉलिक्यूल इन थ्री लोवेस्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल ऑफ द ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आर बी जीरो आपको गिवन है 10.440 सेंटीमीटर इनवर्स, बी वन आपको गिवन है 10.138 सेंटीमीटर इनवर्स एंड बी टू आपको गिवन है 9.836 सेंटीमीटर इनवर्स। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेज यानी कि वो आपसे क्या निकाल रहा है, वो पूछ रहा है कि आपसे आर ई की वैल्यू क्या होगी। चार आपको यहाँ पर ऑप्शन है, इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन सही होगा उसको आपको टिक करना है। लेकिन पहले क्वेश्चन को देखते हैं, आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू गिवन है, बी जीरो की वैल्यू गिवन है, बी वन की वैल्यू गिवन है और आपको क्या गिवन है, बी टू की वैल्यू गिवन है। अभी अभी आपने पढ़ा है कि आपके पास जो बी इक्विलिब्रियम होता है वो आपके पास क्या होने वाला है, सबसे बड़ा होने वाला है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, वो आपके पास बी वन होगा, फिर आपके पास क्या होगा बी टू होगा, फिर आपके पास क्या होगा बी थ्री होगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास जो बी जीरो की वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद वैल्यू क्या हुई है डिक्रीज हुई है, उसके बाद क्या हुई है वैल्यू आपके पास और भी ज्यादा डिक्रीज हो गई है। तो जो आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम के अंदर उसके अंदर जो आपके पास कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है वो आपके पास पूरी की पूरी रिलेट उसको आप लोग कर सकते हो थ्योरी से। तो क्वेश्चन को पढ़ा करो अच्छे से, वहां से भी कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश किया करो। तो आपको यहां पर क्या निकालना है, इस आर इक्विलिब्रियम को निकालना है। ये आप लोग कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको पता चल जाए बी इक्विलिब्रियम क्या है तो आप लोग आराम से क्या निकाल लोगे, आर इक्विलिब्रियम निकाल लोगे। और बी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन आपको क्या पता है, ये आपको इक्वेशन पता है बी एन इज इक्वल टू बी ई माइनस का एन प्लस वन बाय टू इंटू में अल्फा आपके पास यहां पर होता है। तो आपको बी जीरो की वैल्यू पता है, यानी कि एन इक्वल टू जीरो कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू पता है, एन इक्वल टू वन कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू पता है और आपको एन इक्वल टू टू की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पता है, यानी कि बी जीरो पता है, बी वन पता है, बी टू पता है। इस इक्वेशन का यूज करके आप लोग क्या कर लो, बी जीरो को लिख लो, बी टू को लिख लो और बी वन को लिख लो। तो इस तरीके से मैंने क्या लिखा हुआ है, अपने बी जीरो को लिखा हुआ है क्या हो जाएगा बी ई माइनस का वन बाय टू अल्फा, ये क्या हो जाएगा बी वन इक्वल टू बी ई माइनस का थ्री बाय टू अल्फा। और इसकी वैल्यूज आपको यहां पर गिवन है 10.440, 10.138 और 10.9836। वैल्यूज को पुट करो, आपके पास क्या है दो वेरिएबल है और आपके पास क्या है तीन इक्वेशन है। अगर वेरिएबल दो होते हैं तो दो इक्वेशन से भी काम चल जाता है, लेकिन यहां पर आपको तीन इक्वेशन गिवन है तो आराम से इसकी वैल्यू को आप लोग निकाल सकते हो। तो वैल्यूज को निकाल कर देखना कैसे निकालते हो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो कैसे आप लोग यहां पर इस अल्फा की वैल्यू को निकालोगे और इस बी की वैल्यू को निकालोगे। एक बार अल्फा निकल गया, आपका बी निकल गया, तो आप लोग क्या निकाल सकते हो कि जो आपका बी होता है आपके पास क्या हो जाएगा एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी, क्योंकि आपको यहां पर जो बी निकलेगा ये सेंटीमीटर इनवर्स में निकलेगा, इसलिए आप लोग यहां पर सी को भी लेकर चलोगे। रोटेशन कांस्टेंट को आप लोग सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर भी लिख सकते हो। तो याद रखना है कि जिस यूनिट में आप लोग लिख रहे हो उसी का फॉर्मूला आप लोग यहां पर यूज करने वाले हो। तो फॉर्मूले को यूज करना है, आई अब क्या हो जाएगा एम इनटू में आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, मॉलिक्यूल गिवन है एच सी का, तो वहां से आप लोग क्या निकाल लोगे रिड्यूस मास को निकाल लोगे। सी क्या होता है कांस्टेंट होता है, एच क्या होता है कांस्टेंट होता है, पाई क्या होता है कांस्टेंट होता है, एट क्या होता है कांस्टेंट होता है। इसको आप लोग निकाल लोगे इन दो इक्वेशन से, उसके बाद वैल्यूज को पुट कर लो, आर ई भी आपका निकल जाएगा। तो यहां पर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होगा, जिस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो वो गेट के अंदर ही आ सकता है इतनी ज्यादा कैलकुलेशन का। तो आपके पास यहां पर कैलकुलेटर अलाउड मान सकते हो, आर ई की वैल्यू को निकाल कर देखो। जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन आता है उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना। ऑप्शंस मैं आपको यहां पर दोबारा दिखा देता हूं, आपके पास यहां पर ये चार ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है अभी तक तो आप लोग वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, कमेंट बॉक्स तक जाहिर रहो, बीच में लाइक आएगा उसको लाइक कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। तो आगे चलते हैं, हम लोग कंसेप्ट को आगे लेकर जाते हैं, हम देखते हैं कि आपका एनर्जी एक्सप्रेशन होता है वो आपका क्या हो जाएगा। उस एनर्जी एक्सप्रेशन का यूज़ हम लोग क्या निकालने वाले हैं कि आर ब्रांच की एनर्जी क्या होगी, पी ब्रांच की एनर्जी क्या होगी, फिर उनके लाइन के बीच की स्पेसिंग क्या होगी, यानी कि हम निकालने वाले हैं पी जे डबल डैश और आर जे डबल डैश, जैसा हमने कब निकाला था लास्ट क्लास के अंदर निकाला था जब आपका रोटेशन और वाइब्रेशन कपलिंग के अंदर नहीं हो रहा था। तो आपको पता है कि जो आपका एनर्जी एक्सप्रेशन होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस का ई जे डैश माइनस का ई जे डबल डैश। म्यू नॉट आपके पास क्या था, बैंड ओरिजिन था, एन इज इक्वल टू जीरो से एन इज इक्वल टू वन के आपके पास क्या था ट्रांजिशन हो रहा था, उसके आपने क्या कर लिया इसकी वैल्यू को फिक्स कर लिया था। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका ई जे होता है रोटेशन मोशन के समय आपके पास क्या होता है बी जे इंटू में जे प्लस वन, यानी कि ई जे डैश क्या हो जाएगा बी डैश जे डैश इंटू में जे डैश प्लस वन और आपके पास ई जे डबल डैश क्या हो जाएगा बी डबल डैश जे डबल डैश इंटू में जे डबल डैश प्लस वन। यहां पर आप लोग कहकर चल रहे हो कि आपके पास जो बी डैश है और जो बी डबल डैश है ये आपके पास इक्वल नहीं है, यहां पर आप लोग वाइब्रेशन और रोटेशन के बीच में कपलिंग लेकर चल रहे हो। तो इसको आप लोग क्या लेकर चल रहे हो कि आपके पास क्या है अनइक्वल है। तो आपको क्या निकालना है कि आपके पास जो आर ब्रांच है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि आर ब्रांच के लिए जो डेल्टा जे होता है आपके पास क्या होता है प्लस का वन होता है। तो आपके पास डेल्टा जे आपके पास क्या होगा जे डैश माइनस का जे डबल डैश। मैंने कहा था कि आपके पास ये क्या है एन इज इक्वल टू जीरो है, आपके पास क्या है एन इज
इक्वल टू वन है। यहाँ पर पास क्या हो रहा है, रोटेशन कॉन्स्टेंट, आप लोग क्या बोलते हो इसको, आप लोग बोल रहे हो जे डबल डैश से। यहाँ पर पास जो कॉन्स्टेंट आप लोग क्या बोलते हो, जे डैश से बोलते हो। सबडेट कैसे करोगे, जे डैश माइनस का जे डबल डैश, ऊपर वाला क्या है जे डैश, नीचे वाला पास क्या है जे डबल डैश है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, आपका जो डे डैश है क्या बराबर हो जाएगा आपके पास जे डबल डैश प्लस के वन के बराबर हो जाएगा। हम लोग निकाल रहे हैं पी इंटू में जे डबल डैश, हम लोग निकाल रहे हैं आर इंटू में जे डबल डैश, यानी कि आपको पी ब्रांच की एनर्जी और आर ब्रांच की एनर्जी को जे डबल डैश की क्वांटम नंबर के अंदर ही लेकर आना है। तो आपको यहां पर अपना जो जे डैश है इसको आपको जे डबल डैश के टर्म्स के अंदर लेकर आना पड़ेगा। जो आपके पास वैल्यू निकल कर आती है उसको आप लोग क्या करो, उसको आप लोग इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपके पास क्या निकल जाएगी डेल्टा ई निकल जाएगी, जिसको आप लोग क्या बोलने वाले हो आर जे डबल डैश बोलने वाले हो अगर आपने डेल्टा जे प्लस वन लिया, पी जे डबल डैश बोलने वाले हो और आप लोगों ने डेल्टा जे क्या लिया माइनस वन लिया। तो कुछ भी नहीं किया हुआ है, सारी चीजें वही की हुई है आपके पास, यहाँ पर जे डैश की वैल्यू निकल गई है। इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करो तो आपके पास क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला आपके पास कुछ इस टाइप का बन जाएगा, जो आपके पास डेल्टा ये वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट प्लस में बी डैश इंटू में जे डबल डैश प्लस वन, यहाँ पर पास क्या था जे डैश था, यहाँ पर जो मिल जाएगा आपके पास जे डबल डैश प्लस वन प्लस का वन, यहाँ पर पास क्या है जे डैश है आपके पास। यहाँ पे उसने अपने वापस से अपनी सेम वैल्यू रख दी बी डबल डैश जे डबल डैश इंटू में जे डबल डैश प्लस वन। अब आपका ये डेल्टा ई जो है वो जे डबल डैश के टर्म्स के अंदर बन गया है, और ये डेल्टा के पास क्या होता है आर जे डबल डैश होता है, क्योंकि आपने डेल्टा जे क्या लिया है प्लस वन के बराबर लिया है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले को अगर आप लोग याद कर सकते हो तो याद कर लो, क्योंकि इसके ऊपर से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्या पता आ जाए, तो याद कर सकते हो तो कर लो, बट क्वेश्चन नहीं आया है तो इसको मैं याद करने की रिकमेंडेशन आपको अभी तक नहीं दूंगा, बट अगर लोग कर सकते हो तो आप लोग जरूर इसको याद करो। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करके अगर आप लोग अपने आर जीरो को निकालोगे, यानी कि आपको क्या करना है जे डबल डैश की जगह क्या लिखना है आपको जीरो पुट कर देना है। यहां पर भी आप लोग जीरो पुट कर दो, क्या बन जाएगा पास ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, क्या बच जाएगा म्यू नॉट प्लस का टू बी डैश बन जाएगा, यानी कि आर जीरो की वैल्यू निकल जाएगी म्यू नॉट प्लस के टू बी डैश के बराबर। सेम उसी तरीके से जो आपका आर वन है वो क्या बन जाएगा म्यू नॉट प्लस का सिक्स बी डैश माइनस का टू बी डबल डैश, उसके बाद जो आपके पास आर टू है क्या बन जाएगा म्यू नॉट प्लस का ट्वेल्व बी डैश माइनस का सिक्स बी डबल डैश। कुछ भी नहीं किया हुआ है, वन की जगह मैंने यहां पर जो जे डबल डैश की वैल्यू है इसको मैंने पुट करता गया हूं, मैंने जीरो पुट कर दी, फिर मैंने वन पुट कर दी, फिर मैंने टू पुट कर दी, आपके पास ये एक्सप्रेशंस निकलते चले जाएंगे। इन एक्सप्रेशंस को याद कर सकते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, आपके पास क्वेश्चंस आ सकता है इस पार्ट के अंदर, लेकिन अभी तक इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन है उसके ऊपर से क्वेश्चन आ चुका है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, अगर आप लोग यहां पर इस गैप को ध्यान से देखोगे, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा म्यू नॉट प्लस का टू बी डैश आएगा, यहां पर बस क्या आ रहा है म्यू नॉट प्लस का सिक्स बी डैश माइनस का टू बी डबल डैश आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है म्यू नॉट प्लस का ट्वेल्व बी डैश माइनस का सिक्स बी डबल डैश आ रहा है, यानी कि आपके पास जो गैप है वो डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। इस एक्सप्रेशन समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यहां पर बी डैश की वैल्यू को और बी डबल डैश की वैल्यू को कुछ अज्यूम कर चलूंगा तो शायद आप लोग इस चीजों को समझ सकते हो। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अज्यूम कर लेता हूं कि आपका जो बी डबल डैश है पास क्या है टेन के बराबर है, और जो बी डैश पास क्या है वो नाइन के बराबर है। जो बी डबल डैश है वो जे डबल डैश के लिए, यानी कि एन इज इक्वल टू जीरो वैल्यू के अंदर जो पास रोटेशन कॉन्स्टेंट थे उसकी वैल्यू है, और उसके बाद आपके पास यहां पर क्या था एन इज इक्वल टू वन, यहां पर जो रोटेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है जे डैश के बराबर है। तो जे डबल डैश के कॉरेस्पॉन्ड यहां पर पास क्या होने वाला है बी डबल डैश होने वाला है, और जे डैश आपके पास क्या होने वाला है बी डैश होने वाला है। आप कह रहे थे कि आपके पास जो बी जीरो है या आपके पास क्या है बी वन है, तो जो आपका बी वन है वो आपका छोटा होगा बी जीरो से, यानी कि आपके बी डैश को बी डबल डैश छोटा होना चाहिए। तो मैंने उसी तरीके से इसको अज्यूम किया है, मैंने बी डबल डैश को टेन मान लिया और बी डैश को मैंने क्या मान लिया है नाइन मान लिया है। तो इनकी वैल्यूज को जो आपके अभी अभी एक्सप्रेशन निकले थे, ये जो एक्सप्रेशन आप लोगों ने अभी भी निकाले हैं, इसके अंदर मैं क्या करूंगा बी डैश की वैल्यू को पुट कर दूंगा और अपने बी डबल डैश की वैल्यू को पुट कर दूंगा। बी डैश को मैंने क्या माना नाइन माना है, और जो बी डबल डैश को मैंने क्या मान लिया है टेन मान लिया है। इसकी वैल्यूज को पुट करते जाओ, आपके पास जो एनर्जी निकलती जाएगी आपके पास क्या निकलेगी, सबसे पहले जो आपके पास एनर्जी है वो आपके पास निकल कर आ जाएगी म्यू नॉट प्लस का 18, आपके पास क्या था म्यू नॉट प्लस का 2 इंटू में बी डैश क्या है 9 है, तो 9 की वैल्यू पुट कर दो तो 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा 18, यानी क्या बन जाएगा म्यू नॉट प्लस का 18, यानी कि जो आर जीरो की ब्रांच आएगी वो आपके पास मान लीजिए आपके पास क्या है बैंड ओरिजन है, तो वो इससे क्या आएगी आपके पास प्लस के 18 डिस्टेंस से दूर आपके पास क्या निकलने वाली है पहली आपके पास आर ब्रांच, इसको आप लोग क्या बोलते हो आर जीरो बोलते हो। उसके बाद अगर आप लोग यहां पर बात निकालोगे आर वन को तो वो आपके पास कितने पे निकलेगी म्यू नॉट प्लस के 34 पे निकलेगी, फिर आप लोग निकालोगे आर टू को तो आपके पास कितने पे निकलेगी म्यू नॉट प्लस के 48 पे निकलेगी। और यहां से आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हो कि आपके पास जो इनके बीच का गैप है, यहां पर आपके पास गैप क्या है 16 के बराबर है, इसको इससे सेपरेट करो तो क्या बन जाएगा आपके पास 34 माइनस का 18, ये तो कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 34 माइनस का 18 क्या निकल गया आपके पास 16 निकल कर आया। और अगर आप लोग इन दोनों के बीच का गैप देखो क्या निकल जाएगा म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, क्या बच गया 48 माइनस का 34 क्या निकलेगा 14 निकलेगा, उसके बाद यहां पर क्या निकलेगा 12 निकलेगा, फिर इस तरीके का पास क्या जो गैप है वो क्या होता रहेगा आपके पास कम होता रहेगा। जरूरी नहीं है 12 निकलेगा लेकिन इससे कम ही निकलेगा, और जितना भी कम निकलेगा उसको आप लोग निकाल सकते हो, आपके पास एक्सप्रेशन है, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ये देख लो कि इसका गैप क्या हो रहा है आपके पास
कम होता जा रहा है, यानी कि स्पेक्ट्रा के अंदर आर ब्रांच के अंदर जो आपके पास लाइंस है वो पास आती जाएंगी और स्पेक्ट्रा आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा आर ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ बैंड ओरिजन, तो आर जीरो आपको कहाँ पर मिलने वाली है, 18 सेंटीमीटर इनवर्स आपको दूर क्या मिलने वाली है, आर जीरो मिलने वाली है। फिर ये आपके पास क्या हो जाएगी 16, फिर ये क्या हो जाएगी 14, उस तरीके से गैप है वो क्या रहेगा डिक्रीज होता रहेगा, यानी कि आर ब्रांच की लाइनें जो है वो पास आती जाती हैं। और सेम इसी तरीके से आप लोग डिराइव करने वाले हो कि जो पी ब्रांच है उसकी लाइंस जो है वो दूर जाती रहती हैं। तो स्पेक्ट्रा अब आपको थोड़ा अलग दिखेगा, जब आप लोगों ने रोटेशन वाइब्रेशन कॉन्स्टेंट को नहीं लिया था आपके पास क्या था, पी ब्रांच का इधर था, आर ब्रांच का इधर था, और जो आपके पास लाइंस थी उनके बीच में जो गैप था आपके पास क्या था, सेम था। लेकिन यहां पर क्या होने वाला है, जो आर ब्रांच है उसकी लाइनें पास आती जाएंगी, इसकी जो लाइनें वो दूर जाती रहेंगी, तो ग्राफ पे आपके पास थोड़ा सा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होता है उसके बारे में आपको यहां पर पढ़ना है, और इस कंसेप्ट के ऊपर से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास जो लाइंस है उनके बीच की स्पेसिंग देखे रखेगा, वहां से आपको इन फॉर्मुलेस का यूज कर सकते हो। फॉर्मुले की वैल्यू आप लोग याद कर लो, क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अगर आएगा तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास बनकर आने वाला है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आर ब्रांच है उसके अंदर लाइन आपके पास क्या आती रहती है, क्लोज आती रहती है। इसके ऊपर से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप लोग रोटेशन वाइब्रेशन कपलिंग की वैल्यू को लेकर चलोगे तो क्या आपके पास जो आर ब्रांच होती है उसकी लाइनें पास आती हैं, दूर रहती हैं, उनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, तो वो सब चीज़ के ऊपर आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे हमने निकाला है आर ब्रांच के लिए, सेम उसी तरीके से निकालेंगे हम लोग इसके लिए पी ब्रांच के लिए निकालने वाले हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जे आपके पास क्या हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जे डैश माइनस का जे डबल डैश क्या हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जे डैश के बराबर आपके पास क्या हो जाएगी जे डबल डैश -1 के बराबर हो जाएगी। तो वैल्यू को अपने एनर्जी वाले एक्सप्रेशन के अंदर पुट करना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना, आपके पास पी जे डबल डैश की ये वैल्यू निकलने वाली है। एक्सप्रेशन इसको भी याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपको आर जे डबल डैश याद हो सकता है तो कर लो, वैसे अगर ये याद हो सकता है तो इसको भी याद कर लो, अच्छी बात है। लेकिन इस एक्सप्रेशन का यूज कर आप निकालोगे P1 को, P2 को, P3 को, याद रखना P0 आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है। तो P1 को निकालोगे, P2 को निकालोगे, P3 को निकालोगे, तो आपके पास निकल कर आने वाला है म्यूनोट माइनस का 2B-, म्यूनोट प्लस का 2B- माइनस का 6B-। तो यहां से आप लोग देख नहीं पा रहे हो कि आपकी जो वैल्यू है वो दूर जा रही है, पास जा रही है। तो सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी कि B- को 9 मान लेंगे, B" को 10 मान लेंगे, उसके हम लोग क्या देखेंगे गैप देखेंगे, और वहां से आप लोग क्या देखोगे कि जो आपके पास P1 है आपके पास क्या निकला म्यूनोट माइनस का 20, P2 क्या निकलेगा म्यूनोट माइनस का 42 निकलेगा, P3 क्या निकलेगा म्यूनोट माइनस का 66 निकलेगा, और जो गैप है इनके बीच का ये क्या है 22 है, आपके पास क्या आएगा 24 आएगा, स्टार्टिंग में क्या था 20 था। तो ये आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, यानी कि आपके पास जो पी ब्रांच की लाइनें होंगी इसका जो गैप है वो क्या होता रहेगा आपके पास इंक्रीज होता रहेगा। जैसे हम लोगों ने आर ब्रांच के लिए डेरिवेशन किया है सेम उसी तरीके से इसका होगा, मैंने एनर्जी एक्सप्रेशन के अंदर जे डैश की वैल्यू को जे डबल डैश के रूप में पुट किया, आपके पास एक इक्वेशन आ गई, उस इक्वेशन का यूज करके आपने P1 लिख लिया, P2 लिख लिया, P3 लिख लिया। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपके पास B" इसको मैं 10 बोल देता हूं, जो B" इसको मैं 9 बोल देता हूं, उसको पुट कर मैंने यहां पर वैल्यूज को निकाला है और चेक किया है कि जो आपका गैप है वो क्या हो रहा है आपके पास इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, यानी कि स्पेक्ट्रा के अंदर आपके पास बैंड ओरिजन यहां पर होता है। तो लेफ्ट साइड में क्या होती है आपके पास पी ब्रांच होती है, और आपके पास जो लाइंस आएगी आपके पास क्या आ रही है P1 के कोरस्पॉन्डिंग लाइन आ रही है, आपके पास क्या है P2 के कोरस्पॉन्डिंग लाइन आ रही है, आपके पास क्या है P3 की कोरस्पॉन्डिंग लाइन आ रही है, और जो आपके पास गैप है ये इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। पहले गैप कितना है 20 का था, ये कितना है 22 का है, ये कितना है 24 का है, ऐसे आपके पास जो गैप है वो क्या होता रहेगा इंक्रीज होता रहेगा। तो पी ब्रांच का गैप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, आर ब्रांच का जो गैप है वो डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी एक्सप्रेशन क्या है वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया, सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। अब आप लोग देख सकते हो कि आपके पास जो रो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है जो कि रियलिटी के अंदर निकल कर आने वाला है, क्योंकि वाइब्रेशन और रोटेशन के बीच में कपलिंग तो होती है, तो वो आपको किस टाइप का दिखेगा। फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन इट इज क्लियर दैट इफ वाइब्रेशन रोटेशन इंटरेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट द लाइन स्पेसिंग डिक्रीजेस स्लोली एज जे डबल डैश इंक्रीजेस इन आर ब्रांच एंड द लाइन स्पेस इज इंक्रीजिंग स्लोली एज जे डबल डैश इंक्रीजेस इन पी ब्रांच। इसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दैट मे बी रिप्रेजेंटेड एज, तो किस टाइप का स्पेक्ट्रा दिखेगा ये आप लोग बनाकर देखने का, मैं आपको आइडिया देता हूं किस टाइप का बनेगा, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से बनाकर भी दिखाऊंगा। स्पेक्ट्रा आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा, ये आपके पास क्या होने वाला है बैंड ओरिजन होने वाला है। यहां पर आपके पास क्या होगी आर ब्रांच होगी, तो आपके पास यहां पर क्या होने वाला है गैप आपके पास लगातार क्या होगा यहां पर डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, गैप क्या होगा पास यहां पर लगातार डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपके पास ग्राफ कुछ इस टाइप का आ गया। लेकिन जो पी ब्रांच है इसका आपके पास गैप क्या हो रहा है इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, इसकी जो लाइन है वो क्या जाएंगी दूर जाती जाएंगी, तो ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का निकल कर आ जाएगा, एक साइड से कंप्रेस हो जाएगा और एक साइड से क्या हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा। तो रियलिटी के अंदर कुछ इस टाइप का स्पेक्ट्रा आएगा, कैसा आएगा उसको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, आप भी बनाकर देखिए और उसके बाद मैच करना कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मैं बनाऊंगा उससे वो मैच करता है या नहीं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़ना, चाहे वो अच्छा कमेंट हो चाहे वो बुरा कमेंट हो, कुछ समझ नहीं आया तो उसके रिलेटेड भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, सबको समझ में आया तो उसके रिलेटेड भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग RJ Academy
को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो, आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।